Hello everyone. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and this is part three in the chapter Indigo. Here we'll study line by line explanation of this chapter, and today we are going to finish the chapter. So let's begin the third part of this chapter. Gandhi had four protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry. इन टू द इंडिगो सेयर क्रॉपर सिचुएशन गांधी जी को सज़ा नहीं होती है उनको खबर मिलती है कि उनके ऊपर जो केस लगाया गया था वो हटा लिया गया अब उनका इंटरव्यू होता है डेपूटी कमिश्नर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो तैयार हो जाता है एक ऑफिशियल कमीशन बनाने के लिए ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर इंडिगो सयर प्रॉपर सिचुएशन एंडिगो सेयर क्रॉपर की सिचुएशन के लिए वो एक कमीशन बनाता है द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंड लॉर्ड्स और कौन कौन लोग थे इसमें लैंड लॉड्स थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड तो गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स और गांधी इकलौते रिप्रेजेंटेटिव्स थे पीजेंट्स के किसानों के गांधी रिमेंड इन छपारन फॉर एन इनिशियल अन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ गांधी जी तो वहाँ गए थे एक छोटे से अधने से व्यक्ति की सलाह पे रिक्वेस्ट पे हम्बल रिक्वेस्ट पे एंट्रीटी पे लगातार सात महीने रह जाते हैं अन इंटरप्टिड एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स और उसके बाद छोटी छोटी यात्राएं होती हैं द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पिजेंट और ये जो यात्रा उन्होंने की ये विजिट एक अनलेटर्ड पिजेंट पढ़ा लिखा नहीं था वो अनएजुकेटेड था किसान उसकी एंट्रिटी पे हम्बल रिक्वेस्ट पे इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज उनको लगा कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा ऑफ लाइफ, लाइफ लेकिन ये गांधी जी के का पूरा एक साल ले लेता है। अब जो ऑफिशियल कमीशन बनाया गया, उसने ढेर सारे एविडेंस जुटाए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स इंडिगो प्लांटर्स एंड वेन इन प्रिंसिपल टू मेक रिफॉर्म्स टू पीजेंट्स तो प्रिंसिपली सिद्धांतिक रूप से वो मान जाते हैं कि चलो भाई हम दे देंगे रिफंड दे देंगे बट हाउ मच मस्ट वी पे दे आस्ट गांधी गांधी जी से उन्होंने पूछा कितना देना है कितना रिफंड चाहिए आपको दे थॉट ही वो डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इन लीगली एंड डिसीडफुली एक्सटॉटेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स उनको लगा कि गांधी जी पूरा का पूरा मांगेंगे जो उन्होंने धोखे से इलीगली अवैध रूप से किसानों से ले लिया था ब्रिटिश मिशनरी जो चंपारण में उस टाइम थे और हर एक चीज पर नज़र बनाए रखे थे वो अब जब द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज बड़े अच्छे से सब कुछ मोनिटर कर रहे थे उन्होंने लिखा कि गांधी जी फर्म थे फिफ्टी परसेंट पे उनको हंड्रेड परसेंट नहीं चाहिए था थिंकिंग प्रोबेबलीट ही प्लांटर्स को लगा कि गांधी जी तैयार नहीं होंगे ही वुड नॉट गिवे द रिप्रेजेंटेटिव द्लाटर्स ऑफ ट्वेंटी क्या ऑफर किया रिप्रेजेंटेटिव ने ट्वेंटी फाइव परसेंट हम देंगे एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिट एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेड लॉक इस तरह से गांधी जी मान जाते हैं मिस्टर गांधी टूक हिम एट इज वर्ड चलो ठीक है ट्वेंटी देना दे दो गांधी जी अग्रीड दस ब्रेकिंग द डेड लॉक नाउ देर वॉज नथिंग रिमेनिंग नो मोर क्वेश्चन नो मोर प्रोग्रेस इन दिस सिचुएशन दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनोनिमसली बाई द कमीशन अनोनिमसली विदाउट एनी प्रोटेस्ट गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंड लॉर्ड हैड बीन लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देअर प्रेस्टीज गांधी जी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं तैयार हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट पे क्योंकि तो उनके लिए वो मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उन्होंने सरेंडर कर दिया लैंड लॉर्ड्स ने प्लांटर्स ने सरेंडर कर दिया दैट इज इम्पोर्टेंट उन्होंने अपना प्रेस्टीज भी सरेंडर किया है जो पहले वो कभी नहीं करते थे Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters फोर एज फार एज above the law। उसके पहले क्या होता था जो प्लांटर्स थे वो लॉर्ड्स समझते थे अपने आप को और लॉ के ऊपर बिहेव करते थे उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं था द पीजेंट सॉ दैट ही अब किसान को ये लगा कि उसके पास भी कुछ राइट्स हैं अधिकार हैं एंड डिफेंडर्स ही करेज और उसने क्या सीखा करेज सीखा साहस आ गया उसके अंदर इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी इज़ पोजिशन आगे के जो इवेंट्स होते हैं गांधी जी की पोजीशन और अच्छी हो जाती है विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर इस्टेट्स अगले कुछ सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स अपने स्टेट्स को छोड़ देते हैं एबंडन कर देते हैं लीव कर देते हैं विच रिवर्टेड टू द पिजेंट्स और ये वापस हो जाता है किसको उन किसानों को पिजेंट्स को जिनसे लिया गया था वो छीन लिया गया था इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसपियर्ड और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग चली आ रही थी जो फिफ्टीन परसेंट अरेंजमेंट चला आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं हुए एक बार वो चल दिए तो फिर नहीं रुके ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चपारण विजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली अब उन्होंने देखा कि सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से चंपारण बहुत पिछड़ा है तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ जल्दी किया जाना चाहिए ही अपील्ड फॉर टीचर्स टीचर्स के लिए उन्होंने अपील किया कि हमें कुछ टीचर्स चाहिए ताकि लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सके महादेव देसाई एंड नरहरी पारेख टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क महादेव देसाई और नरहरी पारेख जो दो युवा लड़के थे युवा थे युवक थे उन्होंने जल्दी ही ज्वाइन किया था महात्मा गांधी को एज डिसाइपल उनके शिष्य बन गए थे एंड देयर वाइफ्स और उनकी पत्नियाँ भी वॉल्टियर्स फॉर द वर्क इच्छा जताई उन्होंने कि हम ये काम करेंगे फॉर वॉट फॉर टीचर्स सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड कुछ और भी आ गए बॉम्बे से पूना से और दूर दराज के इलाकों से देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अब गांधी जी के चार लड़के थे हरीलाल मनीलाल रामदास एंड देवदास तो सबसे छोटे थे देवदास गांधी जी के सबसे छोटे लड़के देवदास arrived from फ्रॉम द आश्रम एंड so did डिड Gandhi गांधी उनकी वाइफ भी आ गई उनका सबसे छोटा बेटा देवदास भी आ गया प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन सिक्स villages सिक्स विलेजेस में छः गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए कस्तूरबाई taught द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लिनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन जो कस्तूरबा थी कस्तूरबाई उनकी वाइफ टॉट द आश्रम रूल्स सिखाती थी कि आश्रम के क्या रूल्स रेगुलेशन हैं पर्सनल क्लीनिंग कैसे अपनी साफ सफाई रखनी है एंड कम्युनिटी सैनिटेशन कम्युनिटी में साफ सफाई की व्यवस्था कैसे रहनी चाहिए हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल वहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो मिजरेबल थी बड़ी ही कष्टकारी थी अच्छी नहीं थी गांधी गॉड डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर सिक्स मंथ्स गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जो छः महीने के लिए अपनी सेवा देने के लिए तैयार था फ्री ऑफ कॉस्ट थ्री मेडिसिन वर अवेलेबल केवल तीन ही दवाइयाँ अवेलेबल थी उनके पास कैस्टरऑयल क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट एनीबडी हुआ टंग वॉज गिवेन अ डोज ऑफ कैस्टरऑयल कोटेड टंग जीप साफ नहीं है चलो कैस्टरयल ले जाओ एनी बडी विथ मलेरिया फीवर रिसिव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टरायल और किसी को मलेरिया है तो क्यूनाइन सीड ले लो कैस्टरायल ले लो दिन भर मालिश करना एनीबडी विथ स्किन एरप रिसिव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टरयल अगर किसी को रेसेस हैं रेसेस हैं स्किन पे कुछ दात खाज खुजली जैसा कुछ है तो उसके लिए उन्होंने सल्फर आइंटमेंट दे दिया प्लस कैस्टरयल गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लॉथ्स गंदे कपड़े गांधी जी के गंदे गांधी जी ने नोटिस किया कि महिलाओं के कपड़े बहुत गंदे थे ही आस्ट कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि महिलाओं से इस बारे में बात करें कि वो फिल्दी स्टेट में क्यों रहती हैं गंदगी में क्यों रहती हैं उनके कपड़े गंदे क्यों रहते हैं वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इंटू हर हर्ट एंड सैड एक महिला कस्तूरबाई को अपने घर में लेके जाती है और कहती है लुक देर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड फॉर क्लॉथ्स देखिए यहाँ पे ना हमारे पास कोई बॉक्स है ना कोई कबर्ड है फॉर क्लॉथ्स द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द दिनली वन आई हैव केवल यही साड़ी है मेरे पास जो मैं पहनी हुई हूँ ड्यूरिंग हिस् लॉन्ग स्टेन चंपारण गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम हालांकि दूर थे आश्रम से लेकिन आश्रम पर नज़र बनाए रखे थे ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल एंड आस्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स तो वहीं से मेल भेजा करते थे चिट्ठी लिखा करते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछा करते थे वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंच एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड एक बार उन्होंने जो रेजिडेंट है उनसे लिखा उनको चिट्ठी लिख के बताया कि जो पहले के लेटरिन ट्रंचेस हैं जो गड्ढे हैं उनको अब छोड़ दिया जाए एंड डिग न्यू वंस नए गड्ढे खोदे जाने चाहिए अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड नहीं तो पुराने गड्ढे बदबू करने लगेंगे द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ अब ये चंपारण एपिसोड जो था गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था वट आई डिड ही एक्सप्लेनड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग वो बताते हैं कि जो भी उन्होंने किया उनकी लाइफ में बहुत ही ऑर्डिनरी था आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री उन्होंने कहा कि मैंने ये डिक्लेयर किया मैंने बस इतना किया कि ब्रिटिश पीपुल मुझे ऑर्डर ना कर सकें मेरी खुद की कंट्री में बट चंपारण डिड नाट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस दिस चंपारण एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ तो डिफाइंस अपोजिशन ये अपोजिशन के तौर पर शुरू नहीं हुआ रदर देन इट ग्रू आउट ऑफ एन अटैम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पिजेंट्स टू अपलिफ्ट द डिस्ट्रेस द टॉर्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पिजेंट्स जो उनकी परेशानियाँ थी वो सबके सामने आती हैं वो खुल के सामने आते हैं पिजेंट्स दिस वॉज़ द टाइपिकल गांधी पैटर्न दिस वॉज द वे ऑफ गांधी महात्मा गांधी हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो डे टू डे मैटर पर बिलोंग करती थी द प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस लाखों लोगों की हिज वे नॉट ओनली अ लॉयल्टी टू एब्सट्रक्शंस इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स जो उनका तौर तरीका था इट वॉज नॉट ओनली लॉयल्टी टू एबस्ट्रेक्शंस नॉट ओनली आइडिया ये केवल आइडियल ही नहीं था आदर्श रूप में ही नहीं था इट वॉज रिलेटेड टू लिविंग ह्यूमन बींग्स इंसानों से रिलेटेड था ह्यूमिनिटी से रिलेटेड था जो भी उन्होंने किया वो मानवता के लिए किया इन एवरी थिंग गांधी डिड मोर एवर ही ट्राई टू मोल्ड न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री जो भी गांधी जी ने किया उसमें एक चीज उन्होंने खास ख्याल रखा कि इंसान मानव भारतीय व्यक्ति सेल्फ रिलायंट होना चाहिए आत्मनिर्भर होना चाहिए और फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज चंपारण एक्शन के ठीक पहले ही स्टार्टिंग में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्र्यूज द इंग्लिश स्पेसिफिस्ट एक मानवतावादी पीस मेकर वू हैड बीकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ़ द महात्मा केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल आते हैं गांधी जी से अलविदा कहने के लिए बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड्स कहाँ जा रहे थे वो फिजी आइलैंड जा रहे थे तो गांधी जी को अलविदा कहने आते हैं गांधी जी इज़ लॉयर फ्रेंड्स थाट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे जो मित्र थे जो वकील मित्र थे उनके लिए अच्छा था उन्होंने क्या सोचा दे थॉट इट वुड बी गुड फॉर देम फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड एंड्रू की इच्छा थी अगर गांधी जी मान जाते तब बट गांधी वॉज वहामेंटली अपोज फर्मली अपोज गांधी जी ने मना कर दिया फोर्सिबली अपोज यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड अन फाइट अंग्रेजों का हमसे क्या मुकाबला अगर एक अंग्रेज हमारे साथ आ गया तो क्या फायदा होगा दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट ये तुम्हारा कमजोर हृदय बता रहा है द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल तुम्हारा जो कॉज है न्याय के लिए तुम लड़ रहे हो तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा यू शुड नॉट सीक क प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन यू शुड नॉट सी सपोर्ट इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेस टू बी एन इंग्लिश मैन एक अंग्रेज के नाते उस पर भरोसा मत करो मत खोजो एक सपोर्ट उसमें ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि वो हमारे दिमाग पढ़ चुके थे एंड वी हैड नो रिप्लाई और हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी इन दिस वे टॉट एस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस और इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होने का एक पाठ सिखाया सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर आत्मनिर्भरता भारतीय आज़ादी एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग